हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कहा था ना कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वर स्वयं ही द्वारिका चला आएगा। अच्छा, अब समझ में आया, आप सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देंगे। देखो दुर्योधन, यदि बलराम हमारे पक्ष में आ जाएं, तो हम पांडवों के साथ साथ कृष्ण को भी मात दे सकते हैं। हाँ, परंतु मामाश्री, बलराम भैया हमारे पक्ष में कैसे आएंगे? यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन सुभद्रा से हुआ तो। सुभद्रा, भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। एक, दो, तीन और ये चार। मामा जी, आप तो हार गए। दाऊजी, इस हार से भी बड़ी शांति मिलती है कि मैं आप जैसे बलवान से हार रहा हूं। अच्छा तो मामा जी, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। मामा श्री, आप हार गए। भांजे, मुझे तो इस हार में तुम्हारे विवाह की शहनाई सुनाई दे रही है। बलराम को मैं हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब सुभद्रा के विवाह के लिए बलराम के साथ द्यूत खेलूं,
तो जीत हमारी ही होनी चाहिए। हाँ, ये तो मेरे कन्हैया की मुरली की आवाज है। प्रणाम दाऊ भैया। आयुष्मान भव कन्हैया, आयुष्मान भव। कन्हैया, तुम्हें यहां देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूं दाऊ भैया। कितने दिन हुए मेरी और आपकी भेंट नहीं हुई। जब से आप द्वारिका छोड़ के आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि द्वारिका नगरी केवल एक शरीर है, लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं है। कन्हैया, दाऊ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे असंतुष्ट हैं? कन्हैया, ये कैसे हो सकता है कन्हैया? तुमसे असंतुष्ट होने का मतलब है अपने आप से संतुष्ट होना। तो फिर आप द्वारिका क्यों नहीं लौट रहे? वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, रेवती भाभी तो बहुत बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हस्तिनापुर में डेरा डालेंगे? नहीं कन्हैया, ऐसे विचार कभी मन में भी ना लाना। ना मैं अपने कन्हैया से दूर रह सकता हूं और ना ही कभी द्वारिका के बिना किसी और नगरी के बारे में विचार कर सकता हूं। आहा, आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं? हां कन्हैया, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध? हां, मैं समझा नहीं दाऊ भैया। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है। परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराए लोगों में निवास कर रहे हैं। पराए? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है, पांडव हमारे हैं, क्योंकि उनकी माता कुंती हमारी सगी बुआ है। कौरव तो पांडवों के भाई हैं, इसलिए हम उन्हें अपना मानते हैं। नहीं कन्हैया, तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं, और इस विषय में मैं तुमसे और कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहता। बस ताऊ भैया, बस मुझे इसी बात का भय था, इसीलिए तो मैं स्वयं चल के आपसे मिलने यहां आया। कन्हैया, मैंने ताऊ भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चलिए ना वापस द्वारिका मेरे साथ। कन्हैया, तुम्हारे मन में जो बालक छिपा है ना,
उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कन्हैया, सचमुच तुम एक बालक की तरह निश्चल हो। तो फिर? कन्हैया, मैंने कहा ना, दुर्योधन की शिक्षा समाप्त होते ही मैं स्वयं द्वारिका लौट आऊंगा, यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। अब तो तुम मुझसे असंतुष्ट नहीं हो ना? ठीक है दाऊ भैया, जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया, एक बार फिर से मुरली सुना दो ना, बहुत दिन हुए तुम्हारी मुरली नहीं सुनी थी। हाँ दाऊ भैया। कन्हैया, 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 दाऊ जी, इतनी रात गए आप? शकुनी मामा, यहाँ कन्हैया आया था। कृष्ण! दाऊ जी, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम? वासुदेव तो द्वारिका में है। नहीं नहीं, वो यहाँ स्वयं आया था। मेरे विचार से तो आपने कोई सपना देखा होगा दाऊ जी। सपना? हाँ सपना, आपको कृष्ण की याद आई होगी, जिससे आपके मन ने यह नाटक रचा होगा, जिससे आपको लगा कि कृष्ण यहां आया है। हो सकता है, हो सकता है। कृष्ण यहां बलराम से मिलने आया था, जरूर उसकी कोई चाल होगी। कृष्ण! आज आपकी मुरली के स्वर व्याकुल हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी को मना रहे हैं। देवी, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं दाऊ भैया को मना रहा था, उनसे विनती कर रहा था कि वे द्वारिका वापस लौट आएं। इसका अर्थ आप हस्तिनापुर होकर आए हैं। देवी, शकुनी मामा ने
हमारे भोले भाले दाऊ भैया को जाल में फंसाया है, इसीलिए मैं उन्हें सावधान करने गया था। परंतु दाऊ भैया मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं प्रभु? व्यथित? तुम तो जानती हो कि मानव का भूत मैं हूं, उसका भविष्य भी मैं ही हूं। इस विश्व का निर्माण मैंने ही तो किया है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही अग्नि हूं। अखिल चराचर में मैं ही समाया हुआ हूं। मैं ही वर्तमान हूं और भविष्य भी मैं ही हूं। इसलिए भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसका मुझे पहले से ही ज्ञान होता है। इसी कारण मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है देवी, और ताऊ भैया को समझाने के लिए भी मैं इसी लिए गया था, क्योंकि भविष्य में अनर्थ होने वाला है, उसी की चिंता मैं कर रहा था। आप भविष्य की चिंता कर रहे थे, परंतु प्रभु कुछ वर्तमान की भी तो सोचिए। आपने कहा था सुभद्रा और अर्जुन का संबंध होगा, परंतु मुझे तो उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। दोनों के मन में आपकी माया ने प्रेम के बीज तो डाल दिए हैं, परंतु आज तक दोनों उस प्रेम को व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। तो संबंध कैसे होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। ये संबंध तो अवश्यंभावी है देवी। इस कौरव और पांडव वंश का जो महाविनाश होने वाला है, उस महाविनाश के खंडहरों में एक ही फूल बचेगा, और वो फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होने वाला है। यही विधि का विधान है देवी। भगवान, आज आप ऐसी निर्मम बातें क्यों कर रहे हैं? रुक्मणी, भविष्य में निर्मम संहार होने वाला है, भीषण युद्ध होने वाला है, जिसमें भाई भाई का प्राण हरण करेगा, पिता पुत्र का, शिष्य गुरु को जीवित नहीं छोड़ेगा, और गुरु शिष्य को, लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे। हां, लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे। रुक्मणी, वास्तव भयंकर है, महाभयंकर है। इसी संहार में कुरुकुल का विनाश अटल है। कुरुकुल जैसा महाप्रतापी कुल तो नष्ट होगा ही, परंतु मैं इसी कुल के एक फूल को बचाना चाहता हूं देवी। वो कैसे? अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करा के। इसमें भीषण युद्ध नहीं होगा? युद्ध तो होगा ही। और निर्मम संहार? वो भी अटल है देवी। तो फिर आप गुरुकुल को किस प्रकार बचाना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। निश्चय ही कुरुकुल वंश का संहार होने वाला है। सुभद्रा कुरुकुल वंश का आधार बनेगी। हाँ रुक्मणी, सुभद्रा से ही कुरुकुल वंश चलेगा, और इस वंश की रक्षा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। सुनकर संतोष हुआ भगवान, किंतु सुभद्रा और अर्जुन का मिलन तो करा दो। दोनों एक दूसरे की तलाश में शिकार खेलने के बहाने जंगल में गए हैं, परंतु वो देखिए। एक पहाड़ी के इस ओर है और दूसरा पहाड़ी के उस ओर। हे
भगवान, आप तो स्वयं प्रेम के अवतार हैं। इन दोनों प्रेमियों पर दया कीजिए, इनका एकांत में मिलन करा दीजिए प्रभु। तुम चिंता न करो, देवी योग माया मेरी सहायता करने आ रही है। जगदीश्वर, मैं आपकी इच्छा अनुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सर्वेश्वर? तुम तो जानती हो योगमाया कि मेरी बहन सुभद्रा और अर्जुन आपस में मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब किसी विचार का स्फुरण मात्र मेरे अंतर में होता है तो वो तुम्हारे मन पर अंकित हो जाता है। तो जैसा हमारे विचार पटल पर चित्र बन रहा है, वैसा ही समय के आंचल पर लिख दो। जो आज्ञा। प्राणों की रक्षा चाहता है तो सुभद्रा को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, यदि तुम वीर हो तो करो सुभद्रा की रक्षा, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा। Thank you.
सुभद्रा उठो सुभद्रा। सुभद्रा उठो। ठीक तो हो आप? अभी लेटी रहो, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। पहले थोड़ा पानी पी लो, आग के कारण जो अंदर तपिश हो गई होगी वो शीतल जल से शांत हो जाएगी। Thank you.
मुझे यहाँ तक कौन लाया? मैं। आप? कैसे? अपनी बाहों में उठाकर। बाहों में उठाकर? तो क्या मैं स्वयं नहीं? तुम अचेत थी, स्वयं कैसे आ सकती थी? मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करना। ये क्या कर रही हो सुभद्रा? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि मुझे अच्छा लगा तुम्हें बाहों में उठाकर यहां लाना। मेरा बोझ उठाना अच्छा लगा? मुझे तो बोझ का एहसास नहीं हुआ, केवल एक कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई। वो स्पर्श बहुत अच्छा लगा। अच्छे लोग जब भी किसी पर उपकार करते हैं तो वो उस उपकार को दिखाना नहीं चाहते हैं, ताकि जिस पर एहसान किया है उस पर एहसान का बोझ ना पड़े। इसलिए वो झूठ मूठ ही एहसान को प्यार का नाम दे देते हैं। वही आप भी कर रहे हैं। फिर भी उपकार तो उपकार ही है। यदि उपकार का पूरा बदला ना चुकाया जा सके तो भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कर देना चाहिए। नहीं सुभद्रा, मैंने झूठ मूठ का प्यार नहीं दिखाया। वास्तव में यही सत्य है कि जब तुम्हें बाहों में उठाया तो स्पर्श से मेरे अंतर की गहराइयों में एक अनजाने आनंद की लहर दौड़ गई। इसलिए अनजाने में मेरे मुंह से वो वाक्य निकल गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। वाह, किसी पर उपकार करने का ढंग कितना निराला है। उपकार भी करते हो और क्षमा भी स्वयं ही मांगते हो, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी बात तुम्हें इस तरह खुलकर नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? वास्तव में किसी अकेली लड़की से उसकी मर्जी को जाने बिना, और वो भी एकांत में, इस प्रकार प्रेम की भाषा में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसे एकांत का अनुचित लाभ उठाना कहते हैं, और यह किसी भद्र पुरुष को शोभा नहीं देता, ना ही ये मर्यादा है। इसलिए फिर से आपसे क्षमा मांगता हूं। देखिए, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ मत जोड़िए। आपको मेरी शपथ। अब आपने मेरे हाथ थाम रखे हैं। इस स्पर्श से यदि मुझे आंतरिक सुख मिले तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब आप ये नहीं कह सकती कि मैं इस एकांत का अनुचित लाभ उठा रहा हूं। सचमुच आप इस समय हमारी निर्बलता का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए अब हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे यहाँ। ये क्या कर रही हो? ऐसे हिलोगी तो एक घाव और खुल जाएगा। लेट जाओ। आप हमारा कहा नहीं मानते हैं, हम नहीं लेटेंगे। लेट जाओ मैं कहता हूं। लो बाबा, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अब कृपा करके लेट जाओ और मुझे उस घाव की मलहम पट्टी करने दो।
वैद्य हैं? नहीं। तो फिर आपको इन जड़ी बूटियों का ज्ञान कैसे है? ये कैसे पता है कि इस बूटी से ये घाव ठीक हो जाएगा? देवी, हम योद्धा लोग हैं, युद्ध में लड़ना हमारा काम है, और लड़ेंगे तो घायल होंगे ही, इसलिए हर प्रकार के चोटों और घावों का उपचार करने की विद्या भी हमें सिखाई जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि आप हर प्रकार के घावों की चिकित्सा कर सकते हैं। अर्थात? सीधी सी बात है, घाव तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते। हाँ, ये भी होता है, कई बार चोट अंदर लगती है। उसके लिए भी गुरुजी ने कई प्रकार के तेल आदि बताए हैं, जिनका प्रयोग करने से अंदर की चोट भी ठीक हो जाती है। लीजिए, अब आराम से उठिए। हाँ, आइए। अरे, संभल के चलिए। और यदि संभला नहीं जाता तो क्या करें? तो मेरा सहारा लेकर चलिए। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि एक लड़की ने एकांत का अनुचित लाभ उठाकर आपको सहारा देने पर विवश कर दिया? आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, आप ही ने तो उस वक्त कहा था कि एक लड़की की इच्छा जाने बिना उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, और यदि स्पर्श कर लो तो ये नहीं कहना चाहिए कि स्पर्श अच्छा लगा। परंतु उस समय तो मैं अचेत थी, आप मेरी इच्छा कैसे जान सकते थे? इसमें आपका कोई दोष नहीं, इसे निर्लज्जता नहीं कहेंगे। जी हाँ। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि आप तो सचेत हैं, फिर भी आपकी इच्छा जाने बिना मेरा ये कहना कि आपका इस प्रकार मेरा उपचार करना मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ इस तरह चलने में ये स्पर्श बड़ा मधुर लग रहा है, जिसे कहीं अंतर में मानस सागर में एक आनंद की लहर उठ रही है, ये सत्य है, इसलिए कह दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे? यही ना कि ये लड़की बड़ी निर्लज्ज है? नहीं, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानूंगा कि इस विश्व की एक परम सुंदरी कन्या को मेरी सेवा अच्छी लग रही है। उसे आनंद मिले तो मुझे परमानंद मिलेगा। आप बड़े चतुर हैं। यह आलोचना है या प्रशंसा? तुमसे रथ तक नहीं चला जाएगा, आज्ञा हो तो उठा लूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उस बात का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि आप बहुत अच्छे हैं। अब क्या हुआ द्वारिका पति? वही जो होना था। हमें भी तो पता चले कि हुआ क्या है। अरे, तुमने तो कहा था कि अर्जुन पर्वत के इस पार है और सुभद्रा उस पार है, और दोनों का मिलन कैसे होगा? तो ये जान लो कि अब अर्जुन और सुभद्रा दोनों मिल गए हैं। और सुभद्रा ने अर्जुन के जीवन रथ का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया है। आओ मेरे साथ। वो देखो,
बात है, परंतु सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी। हाँ, अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंडनपुर में आई थी तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? बोलो बोलो। सुभद्रे, घाव में पीड़ा तो नहीं हो रही राजकुमारी? क्या आपको अपने उपचार पर विश्वास नहीं है? विश्वास उपचार पर भी है और आप पर भी है राजकुमारी। हमारा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? हम एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं राजकुमारी जी। चलो ये भी देख लूंगी, परंतु इस समय तो छोड़ दीजिए, सामने भैया भाभी का कक्ष है, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए ना। ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। सुभद्रा, सुभद्रा। अरे ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पर ये पट्टिका कैसी? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही थोड़ा जल गई हूँ। जल गई? ओह कैसे? भाभी, एक दुष्ट राक्षस मुझे और मेरे रथ को आकाश में उठाकर ले जा रहा था। फिर क्या भाभी, मुझे तो कुछ सुझा ही नहीं दे रहा था, बस मैं तो दाऊ भैया और कन्हैया को ही पुकारे चली जा रही थी, फिर इन्होंने मुझे देख लिया और उस दुर्दांत राक्षस को अपने बाणों से परास्त कर दिया। ओह, परंतु वो राक्षस मेरे रथ को आग लगाकर वहां से भाग गया। इन्होंने मेरी रक्षा की, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। सुभद्रा की इस बात पर तुम्हारा क्या मत है पार्थ जी? मेरा मत? हाँ पार्थ, तुम दोनों साथ साथ जंगल में। बात यह है कन्हैया कि मैं तो पहले ही शिकार पर जा चुका था। ओह, मुझे तो जब सुभद्रा की चीखें सुनाई दी तब मुझे पता चला कि सुभद्रा भी अरण्य में है। ओह, ये जानकर मैंने उस राक्षस का प्रतिकार कर दिया। बस अब बस? तो फिर सुभद्रा के हाथ में ये पट्टिका किसने बांधी? मैंने। वो तो वनौषधियों से जो भी उपचार हो सकता था मैंने कर दिया। भाभी, अब राजकुमारी आपके हवाले हैं। वो राक्षस इनके रथ में आग लगाकर भाग गया था। ओह, ये ताप से घायल है। अच्छा, ताप से घायल हैं? तनिक देखूं तो कि मेरी ननद रानी कहां कहां से घायल होकर आई हैं। भाभी, अरे अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम राम।
कृष्ण कृष्ण कृष्ण